हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए देखते रहिए अंतस्यो। आज की वीडियो में हम खास तौर से ग्लोइंग स्किन के लिए, आंखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं उनके लिए, माइग्रेन के लिए, बालों का झड़ना, पकना, उन सभी के लिए कुछ विशेष योगासन बताने जा रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया, दोनों पैरों में मैक्सिमम गैप, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे, सांस को भरते हुए थोड़ा सा कमर को पीछे की ओर झुकाइए, कुछ देर तक होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए जितना मैक्सिमम आप झुक सकते हैं। अगर आपको कमर में दर्द है तो ध्यान रहे ज्यादा नहीं झुकना। एक बार फिर से रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जितनी फ्लेक्सिबल होगी उतना ही हमारे मस्तिष्क में ब्लड का फ्लो सही रहेगा। पूरी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए शरीर में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन को होना कितना जरूरी है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। 5 लीटर ब्लड हर पल स्वस्थ शरीर में विचरण करता है। उसी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए धीरे धीरे माथे को जमीन से लगाने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे ब्लड की गति के ऊपर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। उसकी शिथिलता, उसकी तेजी, उसकी कमी हमारे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए शक्ति अनुसार, क्षमता अनुसार झुके रहिए। कुछ देर होल्ड करने के बाद दोनों पैरों को मिला लीजिए, कुछ देर इसी स्थिति में रुकिए। देखिए जब हम सीधे खड़े होते हैं तो कमर से नीचे वाले भाग में अच्छी तरह ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है, लेकिन ऊपर के भागों में ब्लड के फ्लो के लिए हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ग्लोइंग स्किन के लिए आंख, नाक, कान, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए थोड़ी देर इस प्रकार के पोस्चर को जरूर होल्ड करें। एक जरूरी बात, हमारा सारा नर्वस सिस्टम माइंड से जुड़ा है, उसी माइंड में ब्लड की आपूर्ति के लिए आपको इस तरह का अभ्यास बहुत जरूरी है। दोनों हाथों को पीछे ले आइए कमर पर, सिर नीचे ही झुका रहेगा, कम से कम 1 से 2 मिनट तक का अभ्यास। जब आपके हाथ थक जाएं, फिर दोनों हाथों को धीरे से सामने ले आइए, शशंकासन का अभ्यास, बालों का झड़ना, पकना, उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए थोड़ी देर झुके रहिए। कोशिश करें आपके हिप्स हिल से ना हटें। ध्यान रहे इन तीनों क्रियाओं के अभ्यास के बाद एकदम से सिर को सीधा नहीं करना। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी रखकर थोड़ी देर पोस्चर को होल्ड जरूर करना है, जब तक ब्लड का फ्लो नॉर्मल नहीं हो जाता। प्रतिदिन इस प्रकार का अभ्यास करने से आपको आंख, नाक और कान की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ी देर तीनों क्रियाओं का अभ्यास। वैसे तो बालों को झड़ने, पकने से रोकने के लिए आंख, नाक, कान, गले से संबंधित समस्याओं के लिए शीर्षासन बहुत लाभकारी है, लेकिन जो लोग शीर्षासन का अभ्यास नहीं कर सकते उनको इस प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास अपने डेली रूटीन में जरूर करना चाहिए। थोड़ी देर बाद अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं, श्वास को सामान्य कर लें। आज फिलहाल इतना ही। इन क्रियाओं का अभ्यास आपके अनुभव में कैसा रहा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए अंतस्योग।